अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, एक दो दिन पहले एक बयान आया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जो एक खुद आतंकवादी है, टेररिस्ट केस में जेल में थी। मालेगांव ब्लास्ट में उनकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, जिसकी वजह से इतने बेकसूर लोगों की जाने चली गई थी। ये एक्यूज है जो बेल पर बाहर आई हुई है मेडिकल ग्राउंड पर, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हमारे एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे पर, जिन्होंने जो शहीद हो गए पाकिस्तान के हरामखोर आतंकवाद अजमल कसाब के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, वो शहीद हो गए। उनके बारे में इन्होंने ये कहा कि मैंने शराब दिया था उनको। अरे शर्म आनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा सिंह तुमको, तुम शराब की बात करते हो। हमारे जांबाज ऑफिसर जिसने जान गंवा दी अपनी, जो शहीद हो गया। मैं चाहता हूं कि उच्च न्यायालय इस बात का नोट ले, साध्वी प्रज्ञा की जमानत कैंसिल करे, उसको फिर से उठा के जेल में डाले। इलेक्शन कमिश्नर जो उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, वो भी कैंसिल करे, और इनको आके पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। पूरे मुंबई पुलिस फोर्स का इन्होंने अपमान किया है, हमारे सारे शहीदों का अपमान किया है इन्होंने। मैं चाहता हूं कि ये आकर पूरे शहीदों के परिवार वालों के साथ माफी मांगे, हेमंत करकरे जी की पूरी फैमिली से माफी मांगे, और तमाम मुंबई पुलिस फोर्स के उन बहादुर सिपाहियों से माफी मांगे जिनका इन्होंने इंसल्ट किया है। और मोदी को भी आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे को जाके टिकट दे दिया इलेक्शन में लड़ने का। शर्म आनी चाहिए आपको, और हम आवाज बुलंद करके कहते हैं साध्वी प्रज्ञा मुर्दाबाद, हेमंत करकरे जिंदाबाद, पुलिस फोर्स जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। हमारे यहाँ चिकन और बकरे के लजीज डिशेस दस्तियाब है। इनमें स्पेशल चिकन बिरयानी, बकरा बिरयानी, चिकन बिरयानी जंबो पैक, फिश फ्राई, चिकन 65, चिकन लपेटा, चिकन मसाला सालन, बकरा मसाला सालन शामिल है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाकर हमें खिदमत का मौका दे। प्रोपरेटर अब्दुल रहीम उर्फ मनु भाई, चौधरी ओडा लन्ना भाव, साढ़े चौक, हिंगोली गेट, नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका, नांदेड़। नानेवड़ दी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।